हैकर्स ने एटीएम से उड़ाए 2,30,000, 23 बार किया ट्रांजैक्शन। अलग अलग स्थानों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से अज्ञात आरोपी ने 2,30,000 रुपए उड़ा लिए। वो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर कार्ड स्वाइप तो करता था, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा किए बगैर ही ट्रे में जमा हुई रकम निकाल लेता। इस तरह की धोखाधड़ी पहले भी सामने आ चुकी है। बजाज नगर पुलिस ने VNIT SBI ब्रांच के मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया। गत 14 जून को VNIT कॉलेज दीनदयाल नगर सेंट्रल एवेन्यू रोड पर गीतांजलि सिनेमा चौक और वर्धमान नगर स्थित SBI के 4 ATM से रकम उड़ाई गई। आरोपी ने 23 बार ट्रांजैक्शन करके हर बार 10,000 रुपए, ऐसे कुल 2,30,000 रुपए मशीन से निकाल लिए। जिस डेबिट कार्ड का उपयोग ट्रांजैक्शन में किया गया उस खाते से रकम डेबिट नहीं हुई और मशीन से रुपए गायब हो गए। हिसाब में गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक अधिकारियों ने जांच करवाई। बताया जाता है कि चोरी करने वाला एक ही युवक है, वो अलग अलग स्थानों पर गया। इन सभी 4 SBI ATM में एक ही कंपनी की मशीन लगी हुई है। जब भी कोई व्यक्ति अपना ATM कार्ड मशीन में स्वाइप करता है, मशीन ऑटोमेटिक 10,000 रुपए ट्रे में भेज देती है। कार्ड धारक द्वारा आवश्यकता अनुसार रकम निकाल जाने के बाद बाकी रकम वापस मशीन में सेफ चली जाती है। चोरों ने इसी तरह कार्ड स्वाइप किया, कोई भी अमाउंट डाले बगैर ट्रे में 10,000 रुपए ऐसे बली से निकाल लिए। पुलिस कार्ड के नंबर से जरिए भी आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस को संदेह है कि इसके पीछे अंतर्राज्यीय गैंग का हाथ है। कुछ लोग पहले पकड़ जा चुके हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है।